मटन मरहमा प्रीमियर लीग का वो जायका सपोर्ट संगम और अकबर क्रिकेट क्लब श्रीनगर के दरमियान है, अरकम क्रिकेट क्लब श्रीनगर के दरमियान है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे साथ है सपोर्ट जर्नलिस्ट लाल मोहम्मद गनेश साहब, तो इनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्याल का इजहार करें और खासकर यहाँ पे मरहमा के लोगों ने अपनी बलबूते पे यहाँ पे क्लब डेवलप की है, तो इस हवाले से लाल साहब कुछ कहेंगे। ज्यादा वक्त नहीं दूंगा आप लोगों का, लेकिन एक बात कहते जाऊंगा कि आगे चरक जो सामने आए अपने जेब से मुझे लगता है खेला का रोलर, उसके साथ साथ अगर मैं टर्फ की बात करूंगा तो मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए से ऊपर रकम खारिज हुआ। मुझे लगता है अगर कवर भी होगा तो 10 लाख के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर टर्फ भी कर दिया। तो अदा करूँ, ज्यादा वक्त न लेते हुए दो बातें मैं छोड़ जाऊंगा। आमिर चराग के लिए ये दो बातें अहम रहेंगी। क्रिकेट दो चीजों से, तर्फ तो आपके पास है ही, ग्राउंड भी आपने देखा, लेकिन इसके अंदर दो चीजों का बहुत क्वालिटी मुझे चाहिए, अच्छा था। दूसरी बात क्रिकेट मतलब नॉलेज होनी चाहिए अंपायर की। अरे एक वाका हुआ था, एक जगह मुझे फोन आया कि ऐसा वाका हुआ कि ट्रिक आउट के बारे में बता दो आपको, यहाँ से भी आगे जाता है तो वो कहते हैं कि उस पर डिलीवर नहीं करेगा, कहीं से भी वो आपको यहाँ पर ट्रिक आउट या आजकल उसको रन आउट में, तो ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू हुआ था एक ग्राउंड पर कि आजकल हम कहते हैं कि यही से बस थोड़ा सा आगे नहीं, अगर वो इतने दूर में हो जाए अनफेयर। मैं आपको बता दूं बस जो एक 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 चीज अनफेयर होता है, हम कहते हैं इसलिए अनफेयर किया, इसलिए रन आउट किया, अक्सर हम कहते हैं। मुझे लगता है अभी भी वो शर्मा अहमद की बात करूंगा, सितारों से सजी हुई टीम है यहाँ पर जबरदस्त, तो श्रीनगर से जो टीम आई है हम आपको सब कुछ मिलेगा, पानी भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। तो लेकिन दोनों टीमों से गुजारिश है कि अंपायर फरिश्ता नहीं है, जो भी उसका डिसीजन आएगा उसको ले लो। तो इस वक्त मेरे साथ जो इस पहले तमाम भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो रियासत में यही कहना चाहूंगा, कर विकेट बनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मेहनत लगी है इसमें, मेहनत तो हर किसी चीज में लगती है। तो हार्डवर्क के द्वारा सा हमारा ये जुनून था, हम दौर बनाए जैसे हमने पिछले साल देखा बिहार में बहुत इलाकों से खिलाड़िया, तो खुर्शीद अलाई और आनंद रशीद माइग्रेस ऋषि जो हमारी ये कंपनी है, हमने मिलकर एक फैसला लिया है कि हम तर विकेट बनाएंगे। तो फिर मोहम्मद शफी जो है पिच क्यूरेटर, हमने उनको हायर किया है, बाकी दोस्तों ने भी साथ दिया है, मरहमा गांव ने पूरा सपोर्ट किया है, मैं और करते रहते थे, मैं पिछले लगभग 7 सालों से यहाँ पे टूर्नामेंट खिला रहा हूँ, लेकिन काश को। तो अब हमने यही सोचा कि हम लेदर से खिलाएंगे, लेकिन जितना आप कोशिश करें जो आपके अंपायर है उनको रखिए जिनको नॉलेज है क्रिकेट की, और खासकर आपने यहाँ पे टर्फ क्रिकेट डेवलप किया है तो यही बेसिक क्रिकेट है। नो डाउट जो मैट क्रिकेट है वो एक अलग फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, लेकिन अगर आपको आईपीएल खेलना है, जेकेसीए खेलना है, बीसीसीआई की तरफ से खेलना है, तो टर्फ का ही आपको इस्तेमाल हमेशा कर सक्सेसफुल रहे। तो हमारे दोनों टीमें यहाँ पे है, बहुत तो फॉर्म में लग रहा है, हैंडशेक कर रहे हैं टीम में, बड़े बड़े लीडर इमरान जरगर है। इस खिलाड़ी को मैंने मशवरा दिया क्या, जासिफ है, ली मीर है, आरिफ मंजूर है, और अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखिए कोई भी टर्फ जब नई बनती है तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक ही चीज होता है कि इस पे बाउंस कम रहेगा। आप अगर खुद भी देख लीजिए, जब हम बिजबारा में हमारा टर्फ विकेट स्टार्ट हो गया था तो एक साल के लिए वहां पे वही 70-80 हो रहा था, जितना टाइम में टर्फ लेगा उतना अच्छा होगा। डे बाई डे के साथ साथ होने के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बींग टर्फ के बारे में जानना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टर्फ बनाइए ये अच्छा इनिशिएटिव है, इधर मरहमा में छोटे बच्चे जो खेलेंगे आगे, जिसको भी क्रिकेट खेलना है टर्फ पे ही खेलेगा, ये इन बच्चों का खुशकिस्मत है, फ्यूचर है कि इधर टर्फ बनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर टर्फ मैंने देखा है, क्योंकि गांव में बहुत कम ऐसे चीज मिलते हैं, तो ये खुशकिस्मती यही है कि इन लोगों के लिए कि जो अपना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है वो इस पर खेल सकता है।
ठीक है, तरक्की बना है, ग्राउंड बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप उनके लिए दुआएं हैं। हाँ, बॉडी थोड़ा आप अगर देखेंगे तो अराउंड 60 मिनट्स होगा, चाहे लेग साइड हो चाहे ऑफ साइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ इस गेम को निकाल दिया है साहिल। अच्छी लाइन और लेग के साथ बॉडी के बाहर वाइट का इशारा किया अंपायर, महत्वपूर्ण बात हुआ साहिल, दौड़ना शुरू किया अंपायर के पास से दूरी गेंद की, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में जो कि शॉट मिला पर खिलाड़ी मौजूद है, जहां से फसल ओवर का इख्तिताम हुआ।